असल इन दिस वीडियो अबाउट फॉर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकोमैट्री एक्सरसाइज फोर पॉइंट पार्ट थ्री में हम एक्सरसाइज वन के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चलते हम अपने आज के लेक्चर की तरफ हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन फाइव में कहा गया है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगस वन माइनस फोर टू माइनस थ्री एंड माइनस वन टू वन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल अब स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट को समझें कि हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं किसके ट्राइंगल के और हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे आप लोग पहले ट्राइंगल को देखें कि हमारे पास ए बी एंड सी कॉर्नर पॉइंट है मीन वर्टिसेस पॉइंट है और हमें गिवन है मिड पॉइंट ए और सी पॉइंट की जो लेंथ है इसका मिड पॉइंट जो है वो हमें गिवन है ए से बी हमें मिड पॉइंट गिवन है बी से सी तक हमें जो मिड पॉइंट है वो गिवन है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिड पॉइंट को नाम दे दिया है डी ई एंड एफ का अब ये तीन पॉइंट हमें गिवन है और हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। ये आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आप देखिए आप लोगों ने सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन सबसे पहले हमने लेट किया ए अब ए पॉइंट में हमारे पास एक्स भी होगा वाई भी होगा तो हमने लेट किया एक्स वन वाई वन ठीक है नेक्स्ट हमने एक बी पॉइंट लिया उसमें हमने एक्स टू वाई टू कहा सी पॉइंट में हमारे पास एक्स थ्री वाई थ्री होगा अब स्टूडेंट्स हमें ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो फाइंड आउट के लिए हमने लेट किया कि हमारे पास ये तीन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी मीन ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास वर्टिसेस हैं ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी के एन लेट डी ई एन एफ ये पॉइंट्स हमें गिवन है आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ये मिड पॉइंट हैं ए बी के ए बी साइड का बी सी साइड का एंड सी ए रिस्पेक्टिवली इस तरह आप लोग राइड ऑन कर सकते हो नैक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं किस तरह हमने सोल्व करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ किया है मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया यहाँ पे हम पॉइंट ए और बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग देखें ए एंड बी का मिड पॉइंट क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स टू एंड वाई वन प्लस वाई टू और देन मिड पॉइंट इक्वल है ए और बी पॉइंट का मिड पॉइंट किसके इक्वल है डी पॉइंट के डी पॉइंट है वन एंड माइनस वन ठीक है स्टूडेंट्स इस तरह हमने राइट डाउन कर लिया अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी कि हमारे पास ये जो एक्स वन प्लस एक्स टू है ये इक्वल होगा एक्स वाली टर्म के और जो वाई वन प्लस वाई टू है वो इक्वल होगा माइनस वन के क्योंकि ये हमारे पास आ, वन जो है वो एक्स है और जो माइनस वन है वो हमारे पास वाई है तो हम एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के इक्वल लिखेंगे और वाई वाली टर्म को माइनस वन के इक्वल लिखेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू जी स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखें जब एक्स वाली टर्म एक्स के इक्वल और वाई वाली टर्म वाई इक्वल आएगी तो हमारे पास टू जो है माइनस फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एट हो जाएगा यहाँ से टू मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से तो थ्री टू सिक्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर बन जाएगी इसी तरह जब हम बात करेंगे पॉइंट ए और सी की तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो एफ है तो एफ मिड पॉइंट हमें गिवन है माइनस वन एंड वन तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनेगी फाइव एंड सिक्स तो हमारे पास ये सिक्स इक्वेशंस आ गई अब हमने इन इक्वेशंस को इस तरह सोल्व आउट करना है कि हमारे पास x1, x3 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो x1, x2, x3 की वैल्यू इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन हमें गिवन हो और हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह करते हैं ये प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा यहाँ पे हमने ये तीन इक्वेशंस लेनी है वन थ्री एंड फाइव और इन तीनों इक्वेशंस को हमने इस तरह सोल्व आउट करना है कि हमारे पास एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यू आ जाए सबसे पहले हम वन और थ्री इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो थ्री इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे देन हमारे पास एक्स वन यहाँ से एक्स टू एक्स टू से क्या होगा कटिंग एंड एक्स थ्री टू से एट सोल्व आउट होगा तो यहाँ पे साइन चेंज होने हैं तो प्लस प्लस प्लस, प्लस नाइन एंड टेन हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन नंबर सेवन अब हमने इक्वेशन नंबर फाइव में ऐड किया न्यू इक्वेशन सेवन को तो ऐड करने से हमारे पास क्या वैल्यू आई यहाँ पे देखें दो इक्वेशन को जब हमने ऐड किया टू एक्स वन वेरिएबल में हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं और एक्स थ्री कटिंग हो गया तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिली है x1 की अब आप लोगों ने क्या करना है जब आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है तो आप लोगों ने किसी भी इक्वेशन में पुट करके जहाँ पे x2 होगा x1 होगा तो हम वहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करके x2 की फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है अब सिंपली x1 वन प्लस एक्स है इक्वल टू टू मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू फोर पुट करती हूँ तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी टू माइनस फोर यहाँ पे आप लोग देखें एक्स टू वैरिएबल इधर ही रह जाएगा और टू में यहाँ पे प्लस हो रहा है फोर नेगेटिव फोर हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी माइनस टू इस तरह आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वन इन वन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक्स टू की वैल्यू आ गई है जब आपके पास एक्स टू की वैल्यू आ गई है तो आप लोगों ने किसी भी वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में x2 की वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास x3 आ जाएगी जैसे यहाँ पर मैंने पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 वन इन फाइव फाइव इक्वेशन में मैंने पुट किया तो मेरे पास x3 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों ने क्या करना था कि एक वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी जब आपके पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री में से किसी एक की वैल्यू आ जाती है तो देन दूसरी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है तो स्टूडेंट्स अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y1, वन की ये तीन इक्वेश लेनी है और इन तीनों इक्वेशंस को सेम जैसे इन तीन इक्वेशन को सॉल्व किया ऐसे ही आप लोगों ने इस तरह सॉल्व आउट करना है कि y1, y2, y3 की वैल्यू आपके पास आ जाए तो देखते हैं हमने क्या किया जी सबट्रैक्ट टू एंड फोर टू एंड फोर को सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया फोर इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे देन y2 से कटिंग हो जाएगा और हमारे पास एक न्यू इक्वेशन एट आ जाएगी अब हमने जो हमारे पास सिक्स इक्वेशन थी उसमें ऐड की न्यू इक्वेशन तो हमारे पास वाई वन की वैल्यू आ गई वाई वन की वैल्यू आ गई अब वाई वन की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई टू की आ जाएगी जैसे मैं इसमें पुट कर दूँ यहाँ पर मैं थ्री लिख दूँ प्लस वाई टू वैसे ही इक्वल टू माइनस टू इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ तो हमारे पास जी वाई टू आ जाएगा माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट हमने वाई वन की वैल्यू इन इक्वेशन फाइव में पुट की तो हमारे पास वाई थ्री की वैल्यू आ गई तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट हमें गिवन थे हमने सिंपली इस मेथड से क्या किया वर्टसिज फाइंड आउट कर लिए राइट ट्राइंगल के अब हमारे पास ये थ्री वर्टसिज आ गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हम मिड पॉइंट्स को लेकर और मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन सोल्व करने से पहले हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि कॉल पॉइंट्स होते क्या हैं इन इस वर्ड का मतलब क्या है देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरह आपके लिए क्वेश्चन सोल्व कर सोल्व करना जो है वो इजी होगा जब आपको स्टेटमेंट में वर्ड्स जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इन स्टेटमेंट उसके मतलब पता है डायग्राम पता है तो आप लोग क्वेश्चन को ज़्यादा ईजिली सोल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स कोल पॉइंट की बात आ गई है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे थ्री और मोर पॉइंट्स डेट लाई ऑन द सेम लाइन आर को लीनियर पॉइंट इस लाइन का मतलब आपको समझ आएगा डायग्राम को देखते हुए कहता है कि अगर हम ग्राफ में एक लाइन हमारे पास है और उस पर हमारे मिल रहे हैं थ्री या थ्री से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं थ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं पी क्यू एन आर तो ये हमारे पास पॉइंट्स क्या कहलाते हैं कोलीनियर पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंडीशन है इनडिटर्मिनेंट तो हमारे पास x1 y1 1 वन वन एंड x2 y2 1 टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन टू ज़ीरो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो देन हम को पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है फाइंड एट्स ए बी एंड सी आर कोलियर कहता है कि एच फाइंड करो हमारे पास जो ये थ्री पॉइंट्स हैं ये को लीनियर हैं तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट्स को लीनियर है देन हम एच फाइंड करेंगे पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई थ्री एन एक्स थ्री वाई थ्री आर कोलिनियर इफ कहता गिवन पॉइंट को लीनियर होते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं सिंस गिवन पॉइंट्स आर कोलियर देयर फोर अगर तो गिवन पॉइंट्स को लीनियर हैं तो हम इस कंडीशन को लगाएंगे देन इस कंडीशन में हम x1 y1 x2 y2 एक्स टू वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो पॉइंट है ए बी एंड सी इसमें हमारे पास x1 की वैल्यू माइनस वन थ्री एंड सेवन है इस तरह आप लोगों ने पुट कर लेनी है और y1 वन एच है y2 टू टू है एंड y3 थ्री थ्री है तो ये वैल्यूज आप लोगों ने पुटिंग कर लेनी है तो अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हुए हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट सोल्व करना आप लोगों को आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोग को रिमेंबर करवा देती हूँ किस तरह डिटर्मिनेट फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमारे पास थ्री बाई थ्री ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का थ्री बाई थ्री थ्री रो एंड थ्री कॉलम यहाँ पे माइनस वन माइनस वन को हम लेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा इन, इन पॉइंट्स का टू वन जार टू एंड माइनस थ्री वन जी यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं पहले आप लोगों ने माइनस वन के लिए लेना है टू माइनस थ्री फिर आप लोग एज के लिए लोगे तो हमारे पास आएगा एंड दिस कॉलम तो हमारे पास थ्री वन जर थ्री एंड सेवन वन जर सेवन ये टर्म आ जाएगी और नेक्स्ट हम इस वन के लिए लेंगे इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे थ्री थ्री नाइन माइनस सेवन टू फोरटीन तो जी स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ले लो ने डिटर्मिनेंट ले लेना है नेक्स्ट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फोर एच माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो एंड यहाँ पे आप लोग एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो एच इक्वल टू वन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट है द पॉइंट एंड बी आर एंड ऑफ अ डाया ऑफ अ सर्कल हमें एंड पॉइंट ऑफ अ डाया दिए गए हैं ए और बी फाइंड हमने क्या करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल ये स्टूडेंट्स तो यहाँ सर्कल की बात हो रही है तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा किया ठीक है अब हमें एंड ऑफ अ डाया पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी हमने वो पॉइंट्स लिख लिए ये है माइनस फाइव और माइनस टू और जो बी पॉइंट है वो है फाइव और माइनस फोर अब ए से बी पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रा की और इस पॉइंट से जब हमने लाइन ड्रा की तो हमें क्या फाइंड करना है ए से बी तक की जो लाइन है उसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमें रेडियस लेना है सर्कल का तो यू नो सेंटर जो पॉइंट होता है सर्कल का वो ये होता है यहाँ पे हमारे पास B है यहाँ पे A पॉइंट आ जाता है अब हमने जब सेंटर फाइंड आउट करना है तो सेंटर की बात आ गई इसका मतलब हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है मतलब A से B तक जो लाइन ड्रा हुई है उसका सेंटर यही हुआ कि मिड पॉइंट फाइंड करना है जिस स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे सेंटर फाइंड करने के लिए ए एंड बी पॉइंट का तो हमने ए पॉइंट में हमारे पास जो x1 की वैल्यू b पॉइंट में जो x2 की है उन दोनों को ऐड किया और डिवाइड करना है टू पे नेक्स्ट हमने y1 वन प्लस वाई टू डिवाइड बाई टू तो यहाँ पे हमने सोल्व आउट किया तो हमारे पास आ जाता है जीरो और माइनस थ्री ये हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पे देखें सेंटर पॉइंट है जीरो माइनस थ्री ठीक है जब हमने रेडियस फाइंड करना है अब सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है इस तरह करते हैं क्योंकि okay, हम कहते हैं कि हमारे पास अरे सेंटर पॉइंट से वन तक ये हमारे पास क्या है रेडियस आप लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये रेडियस है ठीक है तो हम यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करने के लिए ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ए से सी तक का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे यहां से हमारे पास ए पॉइंट भी है सी पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है सेंटर पॉइंट तो इन दोनों पॉइंट में हमारे पास जो x1 है और x2 है ए पॉइंट है हमारे पास माइनस फाइव और माइनस टू तो यहां पे हम ले लेंगे x2 माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे वैल्यूज की देन हम रूट सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस जी स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन इजी था आप लोगों ने सिंपली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है देन कैलकुलेशन करनी है तो आप लोग इजीली क्वेश्चंस को समझ लेंगे